लेकिन जब फाइनल मुझे जो बताया गया नौ बजे के करीब साढ़े आठ बजे के करीब वो ये बताया गया कि ग्यारह बजे की फ्लाइट चलेगी और पाँच बजे के करीब दिल्ली पहुँचेगी मुझे एयरपोर्ट रिसीव करने जाना था सारे कॉन्टैक्ट तोड़ दिए गए मैं पहले दिन से पूरे केस से जुड़ा हुआ था लेकिन पूरे देश को नहीं मालूम मीडिया को नहीं मालूम फ्लाइट कब लैंड कर रही है मीडिया ने भी अपने सोर्सेज से वहाँ पता करने की कोशिश की कि ये प्लेन कब टेक ऑफ करेगा और उसके बाद वहाँ प्राइम मिनिस्टर और मिसिस सोनिया गांधी एयरपोर्ट पर अकेले दो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं हाइएस्ट अथॉरिटी इस देश की देश को डार्क में रखा जाता है साढ़े सात बजे फॉर्मल टाइम था घर से डेड बॉडी चलने का मैं जब साढ़े चार बजे के करीब उनके घर पर पहुंचा परिवार से फोन आया जब सरकार के चुंगल से वो परिवार छूटा होगा मैं नहीं कहता अभी परिवार की मनोस्थिति क्या है वो क्या कहेगा आगे चल के लेकिन मुझे चार बजकर पच्चीस मिनट पर फ़ोन आया मैं तैयार बैठा था क्योंकि मुझे तो एयरपोर्ट जाना था कि डेड बॉडी घर पहुंच गई है आप घर आ जाइए मैं चार बजकर पच्चीस मिनट के ऊपर जैसे ही मुझे फ़ोन कॉल मिली मैं तुरंत उतरकर उतर कर अपने घर से बाहर आ गया और जो भी मैंने अपना अरेंजमेंट किया था जाने का उसके अकॉर्डिंग मैं जल्दी से जल्दी उनके घर पहुंचा पाँच बजे के करीब मुझे बताया गया कि साढ़े सात बजे घर से बॉडी के चलने का समय है बॉडी घर से चल पड़ी लगभग पांच पैंतालीस पर पुलिस ने इस तरह वहाँ पर पूरी छावनी बनाई हुई थी फाइव फोर्टी फाइव पर बॉडी चलती है और द्वारका एकदम सुनसान इलाके में जहाँ न कोई लाइट थी ना शमशान घाट पर एक लाइट नहीं थी पूरा शमशान घाट ऐसा लग रहा था कि जैसे यहाँ पर कोई अरेंजमेंट और मैनेजमेंट नहीं है एकदम आइसोलेशन में टर्च तो में लड़की को ला करके के ये कहा गया घर से ले जाते वक्त कि वहाँ पर लोगों के दर्शन के लिए रख देंगे यहाँ से चलो और वहाँ सीधा पायर पर ला करके के सीधा चिता पर लड़की को रख दिया जाता है बॉडी को और लकड़ियाँ पुलिस वाले और सब लोग मिल के उसको रख देते हैं और पचास लोग वहाँ पर और दो हज़ार पुलिस वाले पूरे इलाके में उन पचास में से दुर्भाग्य से कहिए या सौभाग्य से कहिए मैं भी था और लड़की को लकड़ियों के बीच में रख दिया जाता है और फिर कहते हैं कि अग्नि दो तो पिता कहते हैं कि ऐसी क्या जल्दी हो गई भाई कहते हैं ये क्या हो रहा है हमारे साथ और उसके बाद जब हम लोग बोलते हैं तो फिर पुलिस फोर्स और ऑफिसर्स पीछे हटते हैं और हमने कहा कि सूर्य उदय का समय टाइम होने दो कम से कम पिता ने कहा कि मैंने अभी स्नान भी नहीं किया है कपड़े भी नहीं बदले वही कपड़े पहने हुए हैं जो मैं लड़की को मुखाग्नि देने के लिए हमारे रीति रिवाज है कि पिता स्नान करके धोती पहनता वो धोती भी अभी यहाँ तक नहीं पहुँच पाई है क्रिमेशन ग्राउंड तक इतना इंतज़ार तो करो कि धोती आ जाए वो धोती आई पिता ने स्नान किया सूर्योदय का इंतजार किया और साढ़े सात बजे लड़की को मुखाग्नि दी गई होम मिनिस्टर बाद में पहुँचते हैं स्टेट होम मिनिस्टर जब शव दहा जब अग्नि दे दी जाती है आठ बजे के करीब मुख्यमंत्री बहुत देर बाद पहुंचती हैं लगभग पौने नौ बजे साढ़े आठ बजे के आसपास जब ऑलमोस्ट क्रीमेशन पूरा हो चुका होता है आखिर सरकार उस लड़की को बचाना चाहती थी सरकार लोगों जिन लोगों की गलती थी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करना चाहती है सरकार सिर्फ़ और सिर्फ अपने को बचाती रही इसलिए मैं यही कहूँगा कि एक अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी इस देश में नज़र आ रही है मीडिया को एडवाइज़री इशू की गई मैं रविशंकर जी से अनुरोध करूंगा उस एडवाइजरी को जरूर पढ़ें और पार्लियामेंट के अंदर उस एडवाइजरी पर डिटेल डिस्कशन होना चाहिए क्योंकि वो एडवाइजरी मीडिया को दी गई एडवाइजरी अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है और वो लड़का जब पंद्रह दिन के बाद इंटरव्यू देता है घटना बताता है तो उस टीवी चैनल को जी न्यूज को नोटिस इश्यू कर दिया जाता है पुलिस केस रजिस्टर कर लिया जाता है आप पूरे देश को डार्क में क्यों रखना चाहते हैं आज पूरा देश कंसर्न है इस पूरी घटना से जुड़ा हुआ 120 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं उनको लगता है जैसे मानो ये मेरा अपना मामला है यह मेरी अपनी बहन थी ये मेरी अपनी बेटी थी ये मैं भी हो सकता था या हो सकती थी यह हमारे साथ भी घटित हो सकता था जब पूरा देश इस भय और इस इस तरह की मानसिकता में आज गुजर रहा है तब सरकार हर चीज़ पर रोक क्यों लगाना चाहती है ये हम जानना चाहते हैं मैंने बहुत ज़्यादा अपनी ओर से कहा है बोला है और दूसरा अगर ये गवर्नमेंट इतनी सेंसिटिव है रविशंकर जी ने इस पर काफ़ी कुछ कहा भी है और मुझे लगता है आगे इस पर बात होगी कि चार कन्विक्टिड एलिमेंट रेप एंड मर्डर में जिनको कैपिटल पनिशमेंट हुई थी कैपिटल पनिशमेंट आपने आपने कहा ना कानून मर्डर पर फांसी आज भी है तो मर्डर क्या बंद हो गए सवाल यह है कि पॉलिटिकल विल कितनी है चार केसेस मर्डर एंड रेप सुप्रीम कोर्ट तक मैटर जाता है और कन्विक्शन होता है डेथ पेनल्टी और चार केसेस को अभी दो महीने पहले या कुछ दिन पहले कुछ महीनों पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिकमेंडेशन पर उन चारों की फांसी माफ़ कर देती है रेप और मर्डर में चार विक्टिम चार एक्यूज कन्विक्टेड और उनकी फांसी को माफ कर देता प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिकमेंडेशन गवर्नमेंट की है और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिटायरमेंट के बाद एक्स एज एक्स प्रेजिडेंट बयान देती हैं कि गवर्नमेंट की, की रिकमेंडेशन को मैंने फॉलो किया था तो फिर पॉलिटिकल विल कहां है सिर्फ ड्रामा हो रहा है सिर्फ लोगों को शांत करने की कोशिश की जा रही है सिर्फ अपनी वोट बनी रहे हम सत्ता पर चढ़े रहे कुर्सियों पर जमे रहे इसके अलावा कोई और सोच है क्या सरकार की मैं जानना चाहता हूं आपके माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद आभार